हैदराबाद नार्कोटेस्ट इन्फोर्समेंट विंग की टीम ने बोनपल्ली पुलिस के ताउन से मंशियात के कारोबार में मुलविस दो अफराद और मंशियात के आदि दो अफराद को हिरासत में लिया। पुलिस ने इन मुलजिमीन के कब्जे से 25 ग्राम हैश ऑयल, दो मोबाइल, एक टू व्हीलर गाड़ी को जब्त किया। इस सिलसिले में पुलिस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए इसकी मजीद तफसीलात बताई। रंजीत कुमार और राजशेखर 23 ईयर्स के दो लड़के मिले हैं और ये दोनों इंटर डिस्ट्रिक्ट ऑफेंडर्स हैं। ऑटोमोबाइल मतलब टू व्हीलर का इन जनरल थेफ्ट करते हैं ये लोग और वो लेके मोबाइल स्नैचिंग भी करते हैं। हमको मिलने के बाद छः केसेस में इनके इन्वॉल्वमेंट एस्टैब्लिश किया है। ये केसेस हम ट्रिपलगिरी में दो, गोपालपुरम में एक, ईसानगर एक, रामगोपाल बेटी ट्विन फर्शीबाद एक। एंड इसके पहले भी इनके ऊपर, राजेश के ऊपर 5 केसेस है, बेगमपेट, कुशेखा, गौड़ारम, ईसानगर एंड बोलारम में। एंड राजशेखर, ये दोनों भाई है ना, रिलेटिव है दोनों। हाँ, रिश्तेदार है रंजीत और राजशेखर। एक बाइक में दोनों मिलकर जाते हैं और ऑफेंसेस करते हैं यूजुअली। एंड राजशेखर के ऊपर वारंगल में एक NDPS एक्ट के अंदर भी एक केस हुआ। इस केस के डिटेक्शन में गोपालपुरम एंड त्रिमलगिरी पुलिस ने बहुत मेहनत किए और प्रॉपर्टी रिकवरी और अक्यूज को अरेस्ट करना, ये सब कुछ में अच्छा काम किया है। इनको हम हमारे विशेष बता रहे हैं। ठीक है, कल के दिन बोनपल्ली पुलिस और हैदराबाद नारकोटिक्स एनफोर्समेंट विंग HNU मिलके दो ड्रग पेडलर्स रमेश साई प्रकाश, उनके साथ कंज्यूमर साई कुमार, नवीन कुमार, इन सारे लोगों को गिरफ्तार किए हैं और उनके पास 25 ग्राम के हैश ऑयल जो डिस्प्ले में दिखा गया है, 5 bottles 5 grams ईच, इसको भी सीज कर लिए हैं और एक एक बॉटल ये लोग 4000 के लिए कंज्यूमर्स को बेच रहे हैं। और हमारे नज़र में अभी 5 और कंज्यूमर्स हैं जो स्कॉन्डिंग है, उनको भी पकड़ेंगे। अभी तक 2 कंज्यूमर्स नवीन और साहिल को हम पकड़ के रिमांड कर रहे हैं। और ये जो मेन पेडलर है रमेश नाम के, ये सारे लोग 19, 20, early 20 की एज ग्रुप के हैं। एंड ये मेन पेडलर रमेश, ये 1-2 kg का हैश ऑयल और अननोन सोर्स से लेके खरीदता है और 65,000 rupees पर kg इस रेट पर खरीदता है। वो अननोन सोर्स एंड ऑल्सो और भी कंज्यूमर्स इनमें इन्वॉल्व है। हमें पता चल रहा है कि इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है और भी बहुत लोग इन्वॉल्व है, ये तो हम कंफर्म कर चुके हैं, पर हम और इन्वेस्टिगेट करके आइडेंटिटी मालूम करके कौन कौन इन्वॉल्व है और उनको के ऊपर नज़र रखते हैं और उनको भी पकड़ते हैं अगर एविडेंस मिले तो। ये सारे हमारा कार्रवाई जो बाकी है।